भगवान राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। अयोध्या पूरी तरह से किले में तब्दील हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा चाक चौबंद है। अयोध्या में पुलिस के लिए दोहरी चुनौती है। इस वक्त अयोध्या में साधु संतों का जमावड़ा है। पंचकोसी परिक्रमा चल रही है। दूसरा, अयोध्या पर सबसे बड़ा फैसला कभी भी आ सकता है। जब सबसे बड़ा फैसला अयोध्या से बस कुछ ही दिन दूर खड़ा है तो प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। अगर आप देखें, ये है अयोध्या का द्वार, सबसे बड़ा द्वार। यहाँ से अयोध्या सिटी शुरू होती है, पर यहीं से ही 3-tier सिक्योरिटी है। ये अगर आप देखें, सामने बैरिकेडिंग है। कोई भी जो अयोध्या वासी नहीं है वो यहाँ इस रास्ते से नहीं जा सकता। अब एक पास भी बनना शुरू होगा अगले कुछ दिन के लिए। अयोध्या में ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। सरयू घाटों से लेकर अयोध्या नगरी तक ड्रोन में एक एक तस्वीर उतारी जा रही है। करीब 250 साल पुराने अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद पर अब फैसले की घड़ी करीब है। 17 नवंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त अपना फैसला सुना सकता है। अयोध्या का मूड क्या है, अयोध्या फैसले से पहले क्या सोच रही है, आज तक की टीम अयोध्या के अखबार जन मोर्चा की प्रिंटिंग प्रेस में पहुंची। यहाँ अयोध्या की खबरों से पटा अखबार छापा जा रहा है। हम जन मोर्चा, जो अयोध्या का एक छोटा सा न्यूज़पेपर है, उसकी प्रिंटिंग प्रेस में है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ का जो अधिकतर स्टाफ है वो 1992 में भी यहीं पर था। उनके लिए ये क्या मान्य रखता है कि एक इतना बड़ा फैसला आ रहा है और वो अयोध्या को किस नज़रिए से देखते हैं, उन्हीं से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोगों के कयास, ये मेरी आज की हेडलाइन है अखबार की। मतलब बहुत कंफ्यूजन है कि कब आएगा फैसला। जी हाँ, लोगों की अभी कुछ लोगों का कहना है कि सब 8 तारीख को भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों की राय है कि शायद 13 के पहले आने की कोई संभावना नहीं है। इसके पीछे लोगों का तर्क है कि साहब वो कार्तिक पूर्णिमा स्नान है, अयोध्या में काफ़ी भीड़ रहती है और पुलिस प्रशासन के लिए दिक्कत होगी भीड़ को नियंत्रित करने में। 1992 में जी जब ये ढांचा गिराया गया, तब आप थे रिपोर्टर, आप रिपोर्ट जन मोर्चा पे रिपोर्ट। मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था, मुझे कंफर्म करनी पड़ती थी कि खबर की कि कितनी डेथ हुई है, क्योंकि दिन भर तो र्यूमर रहती थी कि इतने मरे। लास्ट में शाम को वो जो असली कैलकुलेशन होता था कि कितनी फिगर है। अयोध्या में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। अयोध्या में 28 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी भेजकर अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां अयोध्या भेजी हैं। इन 40 कंपनियों में 4000 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। अयोध्या में विवादित परिसर की किलेबंदी कर दी गई है। अयोध्या के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 100 से ज्यादा स्कूलों में फोर्स को ठहराया गया है। खुफिया एजेंसियों ने जाल बिछा दिया है। क्विक रिस्पॉन्स टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। शांति भंग की आशंका में करीब 3000 लोगों को पाबंद किया गया है। जगह जगह ATF, RAF, CRPF, PAC व पुलिस बल की तैनाती की गई है। तैयारी ऐसी हुई है कि एक मैसेज पर पूरा जिला सील हो जाए। लेकिन फैसले से पहले अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं, उनके मन की बात भी जान लेते हैं। अयोध्या में 7000 से भी ऊपर मंदिर है। कहा जाता है यहाँ पर हर घर में मंदिर है। अभी हम खड़े हैं श्री नागेश्वर नाथ जी के मंदिर के सामने। यहीं के पुजारी थे जो कम से कम 20 पुजारियों के साथ योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे और कहा था कि अयोध्या में और भी मंदिर हैं, सिर्फ राम मंदिर नहीं, उनका क्या। हम बात करते हैं, अब जब इतना बड़ा फैसला आ रहा है कि अब आगे अयोध्या वासियों का क्या कहना है। अभी जो इतना बड़ा फैसला आ रहा है राम मंदिर पर, आपका उस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है? देखिए, हम लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी व्याप्त है कि जो भी फैसला आएगा वो राम मंदिर के पक्ष में आएगा, हम लोगों के पक्ष में आएगा और इससे अयोध्या में काफ़ी उत्साह है। हम आपको बता दें कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद अधिग्रहित परिसर के ठीक बगल में बने अमावा मंदिर में भगवान राम की एक बाल मूर्ति की स्थापना की गई है। इस मूर्ति की स्थापना करने वालों का कहना है कि ये सब राम मंदिर की कामना के लिए किया गया है। ये सिर्फ लोगों की आस्था है, लेकिन फैसले पर अयोध्या में शांति
सौहार्द्र और सद्भावना बनी रहे, इसके लिए भी दोनों धर्मों के लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोगों से अपील करना चाहते हैं, फैसला क्या है मंदिर के पक्ष में आए, क्या है मस्जिद के पक्ष में आए, हमको जो है भाईचारा बनाना है। ये फैसला कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये जो मंदिर पक्ष है उसके साथ भी मुसलमान और हिंदू खड़े हैं, और जो मुस्लिम की जो मस्जिद पक्ष है उसके साथ भी हिंदू मुसलमान खड़े हैं। और यही नहीं, इस केस को मुस्लिम पक्ष की तरफ से लड़ने वाले ही हिंदू वकील हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। इसको देश को जोड़ना है, देश की जो एकता कायम रखना है। फैसला कुछ भी आए, फैसले का स्वागत करना है। वह हमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी है कि अगर कोई पक्ष हारता है तो वो गम का इजहार न करे, जो पक्ष जीतता है वो जीत का इजहार न करे। हम संतों ने मन बना लिया, हमें पूरे देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ, आप फर्जी अफवाह में मत आइए। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, वो जो फैसला दे उसका आप लोग सम्मान करिए। यही संत समाज आपसे निवेदन कर रहा है, किसी भी अनर्गल बातों में ना आइए। और हम लोग संत हैं, हम लोग सदा चाहते हैं अमन रहे, चैन रहे, शांति रहे। केवल 25 हुए हैं, गोरखपुर में सिर्फ 32 हुए हैं। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए प्रशासन की धड़ाधड़ बैठकें चल रही हैं। अयोध्या का मंदिर मस्जिद विवाद बहुत पुराना है तो बहुत संवेदनशील भी, यही वजह है कि पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।